मोस्ट वेलकम हमारे चैनल के नर्सिंग फाइट। आप देख रहे हैं हमारा चैनल के नर्सिंग फाइट। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के नर्सिंग फाइट से और आगे बेस्ट से बेस्ट स्टडी करने में सहायता होगी। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, जिससे कि आपको भी हेल्प हो और आगे फ्रेंड्स को भी हेल्प हो। तो आज हम करवाने जा रहे हैं बुलेट यूनिट के पार्ट फोर्थ। इसके अंदर क्या है, आप IgG मतलब इम्यूनोग्लोबिन ये होती हैं, देखिए एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इनके बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे, कोई ऐसा नहीं है जो IgG IgA IgM IgE IgD सब आपने कंप्लीट पढ़ेंगे। कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको एग्ज़ाम में आए और आप छोड़ जाए। अगर आपने यहाँ से ये टॉपिक क्लियर कर लिया तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी कहीं से कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। जब हमारे लाइव क्लास के लिए हम एलिजिबल होंगे तब हम आपको लाइव क्लास के लिए हम सभी कंटेंट समझाएँगे। तो आप देखिए आज हम एंटीबॉडीज़ और इम्यूनोग्लोबिन पढ़ाने जा रहे हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये देखिए। ये होते हैं 5 टाइप के। तो आप पढ़िए, ये क्या होता है IgG IgA IgM IgD। तो हम कंप्लीट आपको पढ़ाएंगे आज। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के नर्सिंग पॉइंट से। आज देखिए क्या होता है एंटीबॉडीज़ और इम्यूनोग्लोबिन। ये होता है IgG, ये प्लाज्मा सेल्स होते हैं। आपको इससे पहले का कंटेंट आपको पहले पढ़ा दिए गए हैं। ये करते हैं प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ और इम्यूनोग्लोबिन्स, जो किस में हेल्प करती है, क्या करती है, अब आगे आपको सब समझाया जाएगा। तो देखिए पहले हम करने जा रहे हैं IgG। ये क्या होता है IgG क्या होता है, ये क्या होता है IgG और इम्यूनोग्लोबिन गामा। इट इज मोस्ट अमाउंटेड। IgG क्या होता है, इट इज मोस्ट अमाउंटेड 75 से 80% ये पाया जाता है, इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट देखिए, IgG ओनली एंटीबॉडी टू क्रॉस द प्लासेंटा फ्रॉम मदर टू फीटस। एक ऐसी एंटीबॉडी है IgG, ये IgA ऐसी बॉडी है जो कि मदर के मदर एंड जो प्लासेंटा होता है मदर का, मदर में जो उसको क्रॉस करके ये फीटस तक एंटीबॉडी जा सकती हैं। ये एंटीबॉडी क्रॉस कर सकती है प्लासेंटा को, फ्रॉम मदर टू फीटस तक जा सकती है। एंटीबॉडी DR IgG आपको ये प्रोवाइड नेचुर पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है IgG कौन सी इम्यूनिटी प्रदान करता है, तो ये प्रोवाइड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करता है। तो आपको ये याद रखना है। आगे देखिए इसके बारे में वर्ड नंबर 3 देखिए। 3 के अंदर क्या समझाया गया, इट इंडिकेट क्रोनिक इन्फेक्शन। ये इंडिकेट करता है, अगर IgG होता है ये इंडिकेट करता है ये क्रोनिक इन्फेक्शन है। बिकॉज क्योंकि इट अपीयर लेटर इनटू सीरम आफ्टर एन इन्फेक्शन, क्योंकि ये इन्फेक्शन होने के बाद में दिखाई देता है, जब क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, नॉर्मल सीरम कंसंट्रेशन एज कितनी होती है, नॉर्मल कंसंट्रेशन कितनी होती है, आपको याद रखना 8 से 16 mg/ml। और इसका मॉलिकुलर वेट कितना होता है, मॉलिकुलर वेट आपको याद रखना है 150,000 मॉलिकुलर वेट होता है। हाफ लाइफ कितना होता है, 23 डेज होता है। हाफ लाइफ कितना होता है, 23 डेज होता है। लॉन्गेस्ट अमंग्स ऑल इम्यूनोग्लोबिन, ये लॉन्गेस्ट होता है ऑल इम्यूनोग्लोबिन से। इट डिस्ट्रीब्यूटेड, देखिए क्या होता है, इट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द इंट्रावेस्कुलर एंड एक्स्ट्रा वेस्कुलर कंपार्टमेंट। तो आप देखिए ये बराबर मात्रा में इक्वल पार्ट में पाया जाता है, मतलब इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रा वेस्कुलर पार्ट होता है उसमें समान मात्रा में बिल्कुल इक्वल पाया जाता है IgG। तो इसका रोल देखिए, इसका रोल इम्पोर्टेंट होता है, रोल पूछा जाता है, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्लूइड। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बॉडी फ्लूइड में। क्यों करता है, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर में इक्वल मात्रा में पाया जाता है। आगे देखिए पॉइंट नंबर
आईजी, इसके अंदर देखिए हाईएस्ट इंक्रीज इन रिस्पांस टू सबसिक्वेंट एक्सपोजर टू एंटीजन। हाईएस्ट इंक्रीज होता है कब, जब रिस्पांस होता है एक्सपोजर टू एंटीजन का रिस्पांस होता है तो क्या होता है, हाईएस्ट इंक्रीज हो जाता है। तो आगे पॉइंट देखिए, इसके फीचर, अपने फीचर देखते हैं आईजीजी के क्या क्या फीचर होते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें से कई बार पूछा जा सकता है। इसके अंदर समाइलिस्ट आईजीजी, वैसे द लॉन्गेस्ट होता है इसके अंदर, और मैक्सिमम सीरम कंसेंट, मतलब मैक्सिमम सीरम कंसेंट्रेशन होता है 75 से 80%। इसके अंदर सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस होता है, ये सेकेंडरी मतलब बाद में रिस्पांस करता है। मैक्सिमम हाफ लाइफ होता है 23 डेज होता है। ये वारम एंटीबॉडीज होती हैं, वारम एंटीबॉडीज होती हैं, प्रजेंट इन आईजीजी इन मिल्क के अंदर पाई जाती हैं। ये लोएस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है इसके अंदर, लोएस्ट कार्बोहाइड्रेट। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, आईजीजी ये क्या होता है, आईजीजी। अब आपने पढ़ने जाते हैं आईजीए, आईजीजी ए इम्यूनोग्लोबिन, मतलब इसे अल्फा भी कहते हैं, उसे गामा कहते हैं, इसे अल्फा भी कहते हैं आईजीजी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसके फीचर देखिए, फर्स्ट पॉइंट, इट मेनली फाउंड इन टू ब्रेस्ट मिल्क। ये किसके अंदर पाया जाता है, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर पाया जाता है, ये ब्रेस्ट मिल्क के अंदर पाया जाता है। आगे देखिए, और किसके अंदर पाया जाता है, स्वीट के अंदर पाया जाता है, टीयर्स के अंदर, सलाइवा के अंदर, सिक्रीशन ऑफ रेस्पिरेटरी, और ब्लड के अंदर भी पाया जाता है, रेस्पिरेटरी सिक्रीशन ऑफ रेस्पिरेटरी इंटेस्टाइनल जेनिटल ट्रैक, ए रेस्पिरेटरी इंटेस्टाइनल जेनिटल ट्रैक में भी पाया जाता है। इट प्रोवाइड लोकल इम्यूनिटी, या सेकेंड पॉइंट देखिए, इट प्रोवाइड करता है लोकल इम्यूनिटी, इट प्रोवाइड करता है लोकल इम्यूनिटी। पॉइंट नंबर देखिए आगे, इट इज़ सेकेंड मेजर सीरम ग्लोबुलिन होता है, ये सेकेंड मेजर ग्लोबुलिन, कई बार ऐसे पूछा था सीरम इम्यूनोग्लोबिन जो सेकेंड होता है वो कौन सा होता है, 10 से 13% ऑफ टोटल अमाउंट में पाया जाता है। तो नॉर्मल सीरम कंसेंट्रेशन इज कितनी होती हैं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा थी आईजीजी के अंदर 8 से 16 mg/dL। तो इसके अंदर देखिए 0.6 से 4.2 mg/mL, तो इतना होता है। मोलिकुलर वेट देखिए 160,000 होता है। हाफ लाइफ इज अबाउट 6 से 8 डेज होता है, 6 से 8 डेज होता है। इट प्रोवाइड द लोकल मेम्ब्रेन अगेंस्ट माइक्रोबियल अटैक, ये प्रोवाइड कर प्रोटेक्ट करता है जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं अगेंस्ट माइक्रोबियल अटैक होता है, उससे ये प्रोटेक्ट करता है। एज मैनी माइक्रोब्स इंटर द बॉडी थ्रू दीज म्यूकस मेम्ब्रेन, तो जो माइक्रोब्स इंटर करते हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन से, उनसे प्रोटेक्ट करती हैं। आईजीजी क्या होता है, ऑफर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आईजीजी क्या करता है, ऑफर करता था फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आईजीजी ऑफर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इसका रोल इम्पोर्टेंट है। रोल देखिए, प्रोटेक्ट द बॉडी सरफेस, वो बॉडी फ्लूइड का था, ये प्रोटेक्ट बॉडी सरफेस, तो ये बॉडी सरफेस को प्रोटेक्ट करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, रोल आपको याद रखनी है। और आगे देखिए, प्ले इम्पोर्टेंट रोल अगेंस्ट वायरल एंड रेस्पिरेटरी पैथोजन, और इसका एक रोल और होता है, प्ले इम्पोर्टेंट रोल अगेंस्ट वायरल एंड रेस्पिरेटरी पैथोजेंस। आगे देखिए आईजीएम, आप आगे देखिए आईजीएम इम्यूनोग्लोबिन, जिसे म्यू भी कहा जाता है। इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होती हैं, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होती है, क्यों होती हैं, इसके अंदर 5 IG सब यूनिट पाई जाती हैं। ये इंडिकेट करता है एक्यूट इन्फेक्शन को, ये सब पहले होता है, क्यों होता है, बिकॉज ये सिगरेट होता है फर्स्ट बाई प्लाज्मा सेल्स आफ्टर इन्फेक्शन होने के
बाद में ये फर्स्ट सीक्रेट होता है। और इसके अंदर देखिए एंटीबॉडी और एंटीबॉडी बी होते हैं, आर आईजीएम होते हैं। आगे देखिए आईजीएम आल्सो कॉल्ड मिलीनियर ऑफ मोलिकुल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हैवी मोलिकुलर होते हैं विथ ए मोलिकुलर वेट कितना होता है 9 लाख टू 10 लाख इसके अंदर मोलिकुलर वेट होता है, इसलिए मिलीनियर मोलिकुल्स भी कहा जाता है। नॉर्मल सीरम कंसेंट्रेशन कितनी होती है 0.5 से 2 mg/ml। हाफ लाइफ कितनी होती है इसके अंदर 5 डेज होती हैं। रोल क्या होता है, प्रोटेक्ट द ब्लड सीरम फर्स्ट एंटीबॉडीज टू बी डिटेक्ट आफ्टर एक्सपोजर टू एंटीजन तो क्या होता है फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी डिटेक्ट आफ्टर एक्सपोजर टू एंटीजन डिटेक्ट हो जाती है एक्सपोजर टू एंटीजन होने के बाद में फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोटेक्ट फ्रॉम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से। मोस्ट इफेक्टिव आईजी, ये मोस्ट इफेक्टिव आईजी होती हैं, लार्जेस्ट एंड मैक्रो इम्यूनोग्लोबिन होती हैं ईजी सिंथेसाइज्ड हो सकती है। ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है। कोल्ड एंटीबॉडीज होती हैं, फिक्स कम्प्लीमेंट वाई क्लासिकल पाथवे आईजीएम आईजीजी होता है, मैक्सिमम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, देखिए 4 नंबर आईजीजी। और आपको अगर ये याद नहीं रहे, मतलब इसका स्टेप कैसे याद रखना है, तो आपको गेम याद रहता है, गेम और डील करना, गेम्ड ये इसकी गेम की थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो आपको आईजी आईजीए आईजीएम आईजीई और आईजीडी ऐसे याद रखना है, इसलिए इसको लैंग्वेज से करवाया गया है। वैसे इसके मतलब स्क्रीन से अलग होती है, लेकिन इसको इजी से याद रहे, किसी को भूले ना, इसलिए आईजी कितने प्रकार के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, इसलिए आपको ये करवाया गया है। देखिए आईजी इम्यूनोग्लोबिन एप्सिलॉन, इसे क्या कहते हैं, एप्सिलॉन भी कहा जाता है। इट इन्वॉल्व इन एलर्जिक एंड हाइपर सेंसिटिविटी एनाफाइलेटिक रिएक्शन। तो क्या होता है, इसके अंदर इन्वॉल्व होती है एलर्जिक एंड हाइपर सेंसिटिविटी एनाफाइलेटिक रिएक्शन के अंदर, मतलब इसका इन्वॉल्व होती हैं। सीरम इम्यूनोग्लोबिन कितनी होती है, 5 से 8% होती हैं टोटल अमाउंट की। मोलिकुलर वेट कितना होता है, 190,000। हाफ लाइफ कितना होता है, 2 से 3 डेज। आईजीजी एंटीबॉडी प्रेजेंट इन इंक्रीज इन क्वांटिटीज इन एलर्जिक इंडिविजुअल। आईजी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं इन इंक्रीज क्वांटिटीज इन एलर्जिक इंडिविजुअल। रोल देखिए आप, रोल याद रखने वाला होता है, मीडिएट रीजनिंग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में कोज मास्ट सेल टू रिलीज हिस्टामिन, कोज होता है मास्ट सेल टू रिलीज हिस्टामिन। प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम पैरासाइट्स, ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम पैरासाइट्स। मिनिमम सीरम कंसंट्रेशन होता है इसका कितना, क्या होता है इसका मिनिमम सीरम कंसंट्रेशन होता है, हीट लेवल होता है, मिनिमम हाफ लाइफ होता है, प्राइमरी एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है, ये रीगेन एक्टिविटी में यूज होती हैं। इसे पैरासीड्स कुस्तर रिएक्शन भी कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, पैरासीड्स कुस्तर रिएक्शन भी कहा जाता है। और देखिए होमोसाइटोट्रोपिसिज्म हाईएस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है, इनएक्टिवेटेड इन हाई टेम्परेचर होता है, ये क्या होता है इनएक्टिवेटेड होती है ना हाई टेम्परेचर, मतलब टेम्परेटिव पार्ट टेम्परेटिव होता है तब। प्रिवेंटिव प्रो एलर्जी,
प्रिवेंटिव करता है एलर्जी से। अब देखिए IG5, इसके अंदर 5 IgD, इसे कहते हैं डेल्टा इम्यूनोग्लोबिन डेल्टा भी कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबिन डेल्टा। इट्स ग्रीड करती है इनटू वेरी लेस अमाउंट एंड इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। वेरी लेस अमाउंट में होता है, इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता। हेल्प डिफ्रेंशिएट बी लिम्फोसाइट, ये हेल्प करता है डिफ्रेंशिएट करने में बी लिम्फोसाइट को। सीरम कंसंट्रेशन देखिए 3 mg/ml, 3 mg/ml। मोलिकुलर वेट देखिए 180,000। हाफ लाइफ देखिए 3 days। रोल देखिए इसका, रोल रिकोनिशंस मोलिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ लिम्फोसाइट्स, रिकॉग्निशन मोलिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ लिम्फोसाइट्स, फिक्स कंप्लीमेंट बाय अल्टरनेटिव पाथवे IG और IgD, प्रेजेंस इन सरफेस ऑफ लिम्फोसाइट, प्रेजेंस होती हैं लिम्फोसाइट में। न्यूट्रोफिल्स देखिए, न्यूट्रोफिल्स कौन कौन से होते हैं, आगे आपको न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं। न्यूट्रोफिल लेफ्ट शिफ्ट होते हैं, इंक्रीज इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स इन WBC, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन में लेफ्ट शिफ्ट में होता है इंक्रीज होते हैं इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स, और राइट शिफ्ट में देखिए इंक्रीज मेच्योर उसमें होता है, लेफ्ट में इमेच्योर इसके अंदर इंक्रीज होते हैं मेच्योर न्यूट्रोफिल्स इन WBC, जिस पर निशियस एनीमिया हो गया, B12 डिफिशियंसी होते हैं, एनिसोसाइटोसिस अनइक्वल साइज हो जाता है, क्रॉनिक स्ट्रेस। तो आपने आज समझा इम्यूनोग्लोबिन क्या होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन और एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, या इनके बारे में आपने जो भी पढ़ा है बहुत अच्छा है। आप अगर इनको अच्छे से स्टडी करते हैं, वीडियो को एक दो बार देखते हैं, तो एग्ज़ाम में जो आपको आएंगे तो इनके अलावा कहीं से बार नहीं आएगा, और जो क्वेश्चन कराएंगे उसमें से आपको क्लियर हो जाएगा। तो थैंक्स वीडियो देखने के लिए, वॉचिंग वीडियो, और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें हमारे चैनल के नर्सिंग फाइट को। तो देखते रहिए हमारा चैनल के नर्सिंग फाइट को, आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।